हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम अपना टॉपिक लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं प्रिंसिपल ओवर ऑफ सम इम्पोर्टेंट मैटर। ठीक है, देखिए ये मेरे पास लास्ट ईयर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन है हमारा 27। आप इसको देखिए, आइडेंटिफाई द ओर ऑफ जिंक विच कंटेन कार्बोनेट। ठीक है, मतलब जिंक का ओर और किस ओर पे कार्बोनेट है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं कुछ ओर्स को डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर मेटल का ओर बताइए या ये किसका ओर है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे मेटल, मैं आपको वन बाय वन करता चलाऊंगा मेटल, है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं, मैं पहले जो मेटल ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं एल्यूमिनियम का। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो इंपॉर्टेंट ओर हैं, कहां से एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है वो अब यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है आपके पास बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, आप इसे जनरली Al2O3, जिसको कि हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, मतलब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड अगर लगा हुआ है, ऑक्साइड ओर, तो बॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, एक आता है आपके पास क्रायोलाइट। इसको थोड़ा इसलिए डाला जाता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, फिलहाल हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्मली ये आपका सोडियम और एल्यूमिनियम और फ्लोराइड, फ्लोरिन से लगा हुआ क्या है, उसका ओर है। ठीक है, और एक हमारे पास और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कैलोनाइट। ठीक है, इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ऑक्सीजन ये लगे हुए रहते हैं। आपको ये भी फॉर्मूला इसलिए लिखाया जा रहा है क्योंकि ओर में भी आपको पूछेगा कि वो ओर बताइए जिसमें सिलिकॉन लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमने जैसे कि किसके कर लिए, एल्यूमिनियम के। ठीक है, अगला जो आता है हम पढ़ेंगे आयरन के। आयरन हमें कहां कहां से मिलता है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट का फॉर्मूला तो हमारे पास आ जाएगा Fe2O3। अगला आता है मैग्नेटाइट, Fe3O4। फिर एक आता है हमारे पास आयरन पाइराइट्स। इसमें हम क्या कर देंगे, सल्फर के साथ लगा हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। एक और कर लेते हैं इसमें लैमिनाइट, क्योंकि यहां पर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम जितना ज्यादा कर सके उतना बढ़िया है। Fe2O3, और इसके साथ आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे हमने डिस्कस करे आयरन्स के। अब बात करते हैं कॉपर की। ठीक है, कॉपर हमें कहां कहां से मिलता है वो देख लेते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेलाकाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला कार्बोनेट के साथ और एक हाइड्रोक्साइड के साथ इसका जुड़ा हुआ रहता है कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे करते हैं कॉपर ग्लैंस। ठीक है, इसका आ जाएगा सल्फर के साथ, और एक करते हैं कॉपर पाइराइट। देखो ऐसे तो बहुत सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें आने ही चाहिए एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसमें। ठीक है, एक और बोल देते हैं रूबी कॉपर। ठीक है, इसे कॉपराइट भी बोला जाता है, ये आता हमारा Cu2। ठीक है, और एक आ जाता है, इसको भी कर ही लेते हैं, एजुराइट। इसमें क्या है, कॉपर कार्बोनेट के साथ, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, सेम जैसे कि हमारा क्या था, मेलाकाइट था। बस इसमें क्या है, टू मॉलिक्यूल, और बस आपने याद रखना एजुराइट भी किसका है, कॉपर का ओर है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है जिंक। ठीक है, तो जिंक का यहां पर डिस्कस करते हैं। जिंक का हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आता है हमारे पास जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सल्फर के साथ ZnS। फिर आता है कैलामाइन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलामाइन। ठीक है, जब हम कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट ओर के लिए, तो सबसे पहले वहां पे आपको कैलामाइन ही मिलेगा, ये कार्बोनेट ओर है जिंक का। फिर आता है जिंक साइट, ये इसका ऑक्साइड ओर है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहां पे कर लिए, और भी हैं, हम इतना बहुत रहेगा जिंक में ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम मैग्नीशियम।
ठीक है। मैग्नीशियम में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका डोलोमाइट, ठीक है। ये इसका कार्बोनेट और है कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और, ठीक है। और एक आता है मैग्नेसाइट, यहां पर ये क्या है मैग्नीशियम का कार्बोनेट और है, यह भी हमें याद रखना है कि ऑक्साइड और है कि कार्बोनेट और है। अब हम करते हैं नेक्स्ट लेड, ठीक है, जिसे हम पीवी बोलते हैं। इसके हमारे पास एक आ जाता है गैलेना, जो हमारे पास होता है लेड का सल्फाइड ओर, और एक होता है सेरुसाइट जो होता है लेड का कार्बोनेट ओर, ठीक है। और अब हम कर लेते हैं एक दो छोटे उनको भी क्लियर कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा सिल्वर। सिल्वर कहां से मिलता है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट है हॉर्न सिल्वर, ठीक है। हॉर्न सिल्वर में आ जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड, और एक आता है आपका रूबी सिल्वर, ठीक है। इसमें सिल्वर का सल्फाइड, एंटीमनी और सल्फर के ट्राइऑक्साइड वाला, ये तीनों चीज आपको मिलेंगी। देखिए ये वाला जब आता है इसमें से सिंपली आपको हॉर्न सिल्वर वाला ज्यादा मिलेगा, रूबी सिल्वर सिर्फ आपने याद रखना है कि ये किसका है, सिल्वर का ओर है, ओके। बाकी के सबके फॉर्मूले आते हैं कि कार्बोनेट ओर है कि ऑक्साइड ओर है, आप कभी भी कोई पेपर उठाइए वो यही पूछेगा आपसे। ओर तो नीचे की क्लासेस के क्वेश्चन में बन जाता है, यहां पर वो बोलता है कि इसका ऑक्साइड ओर कार्बोनेट ओर बताइए। एक और कर लेते हैं, ये है हमारा मरकरी, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है सिनेबर, ये आ गया हमारा सल्फाइड ओर, ठीक है। इसी के साथ हमने लगभग ये हमने सारे कर लिए हैं, एक छूट गया मेरे ख्याल से, कैल्शियम का नहीं कराया ना हमने, उसका भी कैल्शियम का भी कर लेते हैं, ये लास्ट हमारा, ठीक है। कैल्शियम का सबसे पहला है मार्बल, मतलब हम यहां पे लिखेंगे लाइमस्टोन, ठीक है। ये इसका कार्बोनेट ओर है, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आता है, कैल्शियम सल्फेट के दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ये हमारे यहां पर सारे के सारे क्लियर हो गए इंपॉर्टेंट ओर वन बाय वन, ये हमें विद फॉर्मूले के साथ हमें जरूर आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए जरा क्लियर करते हैं अपना जो 2018 के लेक्चरर केमिस्ट्री के सेट में आ रखा था, ये यहां पर है आइडेंटिफाई द ओर ऑफ जिंक विच कंटेन कार्बोनेट। अब देखो जिंक का ओर बताना है जो कार्बोनेट कंटेन हो, तो देखो जिंक की अगर हम देखें तो यहां पर ऑप्शन में है मेलाकाइट, तो मेलाकाइट तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वो किसका है, कॉपर का है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेरुसाइट, ठीक है, अगला है जिंक साइट, तो देखो यहां पर जो आपका जिंक साइट है ये जिंक का तो है लेकिन कैसा है, ऑक्साइड ओर है, दिख रहा है आपको ये कैसा ओर है इसका, ऑक्साइड ओर, क्लियर है। और अब आ जाते हैं हम अपना कैलामाइन, तो कैलामाइन अगर आप देखो तो ये हम बोल रहे हैं जिंक कार्बोनेट को, तो मतलब जिंक का तो ओर है लेकिन कार्बोनेट ओर है, तो दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट डी, आइडेंटिफाई द ओर जिंक ऑफ, तो हमारा क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो हमें ये सारे के सारे आने चाहिए, इस तरीके से अगर एग्जाम में कोई सा भी हमसे ओर पूछेगा तो हम इसमें आसानी से निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं सेरुसाइट की, तो ये क्या था आपका, जब मैंने आपको लेड पढ़ाया था तो देखो यहां पर आ गया आपका सेरुसाइट, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट थे, ये लेड का कार्बोनेट ओर है, तो कार्बोनेट ओर है लेड का, लेकिन वो पूछ रहा है कार्बोनेट ओर जिंक का, ओके क्लास, थैंक यू।